नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं हिमांशु और आप देख रहे हैं हलचल इंडिया। बेबाक खबर, तेज असर। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। 21 जून को साल का सबसे बड़ा सूर्य ग्रहण है। रविवार के दिन ग्रहण का योग बनने के कारण इसे चूड़ामणि कंकड़ सूर्य ग्रहण भी कहा जाता है। हरिद्वार में 10:23 पर जबकि पूरे देश में 9:17 पर ग्रहण की शुरुआत हो चुकी है। ग्रहण काल 1:36 पर समाप्त हुआ। धर्मनगरी हरिद्वार में ग्रहण काल में विश्व प्रसिद्ध हर की पौड़ी पर आने वाले श्रद्धालु पुलिस की मौजूदगी में स्नान ध्यान और हवन करने के साथ साथ दान भी कर रहे थे। पुलिस द्वारा घाटों पर चाक चौबंद व्यवस्था की गई थी। घाटों पर पुख्ता इंतजाम नजर आए। हर की पौड़ी के मंदिर ग्रहण के कारण 12 घंटे पड़ने वाले सूतक काल के चलते बंद किए जा चुके थे, लेकिन कोविड-19 के कारण लागू पाबंदियों के चलते शाम 7 गंगा आरती के बाद ही मंदिर बंद किए गए। ग्रहण काल बीत जाने के बाद मंदिर खोले गए। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण काल में स्नान ध्यान और दान से कई गुना फल की प्राप्ति होती है। संजय कुमार है जी, मैं दिल्ली से मालवीय नगर से आया हूं। स्पेशल गंगा स्नान करने के लिए हमारे 5 बंदों की टीम है, हमारा ग्रुप है। सालों में ऐसा ग्रहण आता है जो इस सूर्य ग्रहण के लिए गंगा में स्नान करने के लिए मुक्ति प्राप्त की जाती है, पापों का नाश होता है। सूर्य ग्रहण करने अभी ग्रहण में नहाएंगे, उसके बाद समाप्त होने पर फिर नहाएंगे, फिर गरीबों को दान देंगे, ग्रहण में सूर्य भगवान की माला जपेंगे। भगवान से यही कृपा है, भगवान से यही कृपा है। ये कोरोना वायरस की जो महामारी की बीमारी आई है, ये कृपा करके महीने में 3 ग्रहण आए हैं। इस ग्रहण को खत्म किया जाए, इस महामारी को खत्म करे भगवान भोले शंकर की यही कृपा बनी रहे कि हर हर महादेव, ग्रहण खत्म करे जाए, ये महामारी खत्म हो, कारोबार बरकत हो। चीन हमारे देश पे वार करने की सोच रहा है, खत्म हो सब कुछ, ये हमारा देश तरक्की करे। मैं यही महारानी से कृपा है, बाबा बाबा से कृपा है, जय बाबा की। देखिए आज का जो ग्रहण है 21 जून को, 21 जून जो होता है वो जो है पूरे वर्ष के अंदर सबसे लंबा दिन होता है, इसीलिए योग का दिन भी आज दिन रखा गया था। ये पीछे भावना थी इसके पीछे। 21 जनवरी सबसे छोटा दिन और 21 जून सबसे बड़ा दिन। इस दिन सूर्य ग्रहण का होना एक विशेष रूप से कोई नई चीज लेकर आ रहा है। ये नए भारत के लिए बहुत अच्छी चीज होगी और नए भारत के लिए ये जो है ग्रहण एक स्तंभ बनेगा जिसका लाभ जो है सभी भारतवासियों मिलेगा। और ये ध्यान रखें कि इस ग्रहण का जो फल है, क्योंकि सारे ग्रह वक्री है, वक्री ग्रहों के साथ यदि ग्रहण पड़ता है तो वो विचित्र विचित्र प्रकार की जो है भूमिकाएं लेकर देश के अंदर आता है। सीमाओं के अंदर हो, चाहे देश के व्यक्तियों की सीमाओं के अंदर हो, हर प्रकार के अंदर ये फल जो है वो अप्स एंड डाउन देखने को मिलता है। तो किस तरह का प्रभाव इसका पड़ेगा देशवासियों पे, किस तरह ग्रहण में पूजा पाठ जब तक करना चाहिए? देखिए जो ग्रहण का जो समय काल है वो 10 से लगभग 3 के लगभग है। इस मध्य के अंदर आप जो है जितना अधिक हो सके आप अपने इष्ट देवता का ध्यान करें। और इसमें जो है विशेष बात यह है कि खाने से परहेज इस वजह से किया जाता है कि यह समय बड़ा महत्वपूर्ण है। इसको खाने में सोने के अंदर व्यय ना करें, इसमें आप ध्यान करें, इसमें आप योगाभ्यास करें, इसके अंदर आप जो है दान करें। क्योंकि कहा जाता है कि दाना च ज्ञानाय च रक्षणाय, अर्थात दान से और ज्ञान से रक्षा होती है। तो ऐसे समय के अंदर ज्ञान का अर्जन भी करें और दान से जो है अपनी रक्षा भी करें। दोनों काम ऐसे समय के अंदर विशेष महत्वपूर्ण होता है। क्योंकि कहा जाता है कि ग्रहण हो, अमावस्या हो, व्यतिपात योग हो, या कोई भी इस प्रकार की चीज जो पृथ्वी पर आती है, तो उसके अंदर दान का, स्नान का और मंत्र जाप का विशेष महत्व होता है। इसीलिए इस समय के अंदर यदि आपने कोई भी काम इस प्रकार का आप चाहते हैं कि यदि आप बलहीन हैं, बलशाली होना चाहते हैं तो आप काली की उपासना करें, यदि आप चाहते हैं विद्या के अंदर आप कमजोर हो रहे हैं तो सरस्वती की उपासना करें, यदि आप चाहते हैं कि लक्ष्मी आपके परिवार के अंदर बहुत कम आपके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है, लक्ष्मीहीन है आप दरिद्रता की ओर बढ़ रहे हैं, आप लक्ष्मी की उपासना करें। आप रोग से आप ग्रसित हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें। यदि आप चाहते हैं कि आपको संपत्तिवान बने, संपत्ति की आपको हो, तो आप अपने इष्ट देवता के साथ साथ जो भगवान शंकर और माँ पार्वती की दोनों की उपासना करें। यदि आपके काम में बहुत विघ्न आ रहे हैं तो गणेश जी की उपासना करें। बिना संकल्प के आज जो है यदि आप जो है कोई मंत्र का जाप करेंगे उसका 16 गुना फल मिलता है। साथ में आज के दिन किया हो गंगा में स्नान कुंभ स्नान के तुल्य फल देने वाला होता है। इसके साथ साथ जो है कहा जाता है कि इस दिन किया हुआ दान वो 16 काली गाय के दान के बराबर माना जाता है। किन किन प्रदेशों में इसका ग्रहण का? देखिए मुख्य रूप से पूरे भारतवर्ष के अंदर दृश्यमान ग्रहण है और विशेष रूप से राजस्थान हुआ, उत्तराखंड हुआ, हरियाणा हुआ, पंजाब हुआ, ये जो उत्तर भारत का एरिया है इसके ऊपर इस ग्रहण का पूरा प्रभाव देखने को मिलेगा। 99% पूरा प्रभाव इसका ग्रहण का मिलेगा। पूरा कंगन की आकृति 10 के लिए दिखाई देगी इसके अंदर आपको। और ये कंकन ग्रहण जो है, जब सूर्य ग्रहण जो है 21 तारीख को पड़ा है और विशेष रूप से इतवार को पड़ा है, चंद्रचूड़ नामक ग्रहण है, ये महाभारत काल के समय पड़ा था जब युद्ध की समाप्ति हो रही थी। तो ये भी समझ लो कि कोरोना की समाप्ति भी इसके बाद पीक पॉइंट आएगा, बहुत बड़ा पीक पॉइंट आएगा, उसके बाद से कोरोना धीरे धीरे समाप्त की ओर चला जाएगा। कौन सा मंत्र
लोगों को विशेष रूप से त्रयंबकम जजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमियो वंदनात् जितो मुक्षीय मामृतात्। महामृत्युंजय मंत्र का जाप यदि आप करें, रोग से शोक से मुक्ति के लिए करें, आपको कोई रोग न सताए, आप हर प्रकार से जो है बैलेंस रहें, आपकी जो शरीर है, मन है, बुद्धि है और आपका जो आत्मा है उसमें एक सामंजस्य स्थापित हो, इसके लिए महामृत्युंजय का जो है आप जाप करते हैं, ये आपको फलदायी होगा। जनपद शामली के जलालाबाद क्षेत्र के गंदेवड़ा गंगा यमुना संगम पर श्रद्धालुओं ने स्नान कर सूर्य देव की पूजा अर्चना की। सूर्य ग्रहण पर श्रद्धालुओं ने श्रद्धा व भक्ति भाव से गंगा यमुना संगम में स्नान किया व संगम किनारे पूजा अर्चना कर दान कर सूर्य देव की उपासना की। संगम पर श्रद्धालु सूर्य देव की जयकार करते रहे। श्रद्धालुओं ने सोशल डिस्टेंस का पालन करते हुए पूजा अर्चना की। यह संगम प्रयागराज के बाद उत्तर प्रदेश के दूसरा संगम है। गंगा व यमुना के पवित्र जल के मिलन का अद्भुत संयोग यहाँ पर देखने को मिलता है। ऐसा अद्भुत संयोग आसपास जनपदों में भी नहीं है। दूर दराज से श्रद्धालु नित्य गंगा यमुना के पवित्र जल में डुबकी लगाकर पूजा अर्चना करने के लिए यहां पर आते हैं। यहां गंगा यमुना संगम पर महिला श्रद्धालुओं के लिए अलग से स्नान घाट न होने से परेशानी उठानी पड़ती है। सिंचाई विभाग संगम की देखरेख करता है। इस ड्रीम प्रोजेक्ट को तैयार करने में निवर्तमान कैबिनेट मंत्री अनुराधा चौधरी ने भूमिका निभाई थी। उनके बाद कैबिनेट मंत्री सुरेश राणा ने संगम को सौंदर्यीकरण कराने के लिए बजट मंजूर कराया था। इसके लिए काम भी किया गया, परंतु श्रद्धालुओं के ठहरने, महिलाओं के कपड़े बदलने व पूजा अर्चना के लिए कोई जगह नहीं बनाई गई। यहां पर पंचनारायणी मंदिर के पुजारी नरेंद्र शर्मा सुभाष शर्मा ने बताया कि सिंचाई विभाग ने पौड़ियों की सफाई नहीं कराई। पौड़ियों पर काफी सिल्ट जमी है जिससे श्रद्धालु के फिसल कर गिरने का डर बना रहता है। महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए परेशानियां उठानी पड़ती है। इसके लिए अपने निजी खर्च से टीन शेड लगवा रहे हैं ताकि आगे महिला श्रद्धालु को परेशानी न उठानी पड़े। मैं संरक्षक हूँ, यहाँ पंचनारायणी मंदिर का निर्माण कराने की व्यवस्था है और एक सोच रहे कि लोग बाग बाहर से जो व्यक्ति आते हैं उनकी देख रेख के लिए, बैठने की व्यवस्था के लिए कार्य कराने की वो है। अच्छा, जैसे सूर्य ग्रहण था आज, यहाँ पर कितने लोगों ने आके स्नान किया? आसपास के गांव गुआंड के बहुत श्रद्धालु यहाँ पर आए हैं, पूजा पाठ की है, लेकिन मामला यही हुआ कि साफ सफाई के प्रति सरकार ने ध्यान नहीं दिया और ग्राम पंचायत से भी हम लोगों ने सहयोग की अपील की, कोई सहयोग नहीं मिल पाया। हम लोगों ने एक सफाई कर्मचारी यहाँ रख रखा है, वो बेचारा साफ सफाई करता है। तो अब आप सरकार से क्या चाहते हो? सरकार से हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ ध्यान दें और ये गंगा यमुना संगम है, इलाहाबाद के बाद दूसरा नंबर गंगा यमुना संगम का उत्तर प्रदेश में ये दूसरे नंबर पर है। हम चाहते हैं कि सरकार इस पर ध्यान दे, साफ सफाई का दे, इसे पर्यटक स्थल घोषित करे, जिससे ग्राम पंचायत जितने भी आस्था से जुड़े लोग हैं वो आते हैं, उनके ध्यान में रखते हुए इसका कुछ सहयोग करें। सहारनपुर में संपूर्ण लॉकडाउन को सफल बनाने के लिए एसडीएम देवबंद देवेंद्र पांडे ने स्वयं इंडस्ट्रियल स्टेट देवीकुंड मैदान नगर तथा सहारनपुर मुजफ्फरनगर मार्ग पर निकलकर छापेमारी करके चालान किए। सबसे पहले एसडीएम पुलिस के साथ नगर की सड़कों पर निकले तथा जिसको भी सड़क पर लॉकडाउन का उल्लंघन करते पाया गया उसका चालान किया गया। जिसके बाद एसडीएम इंडस्ट्रियल स्टेट में पहुंचे और वहां पर केके इंडस्ट्रीज में काम चलता हुआ पाया गया। एसडीएम को मौके पर काम करते हुए कुछ मजदूर भी पाए गए। इसके बाद एसडीएम ने जेके इंडस्ट्रीज में काम चलता पाया गया, यहां भी कर्मचारी काम करते हुए मिले। इसके बाद एसडीएम बालाजी आयरन इंडस्ट्रीज में भी पहुंचे जहां पर कुछ लोग काम करते हुए मिले। इसी के साथ मंगला स्टील में और अन्य फैक्ट्रियों में भी काम करते हुए कई लोग मिले। इन सभी फैक्ट्रियों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए जिला अधिकारी और जिला उद्योग अधिकारी को भी लिख दिया गया है। इसके बाद एसडीएम देवेंद्र पांडे सहारनपुर मुजफ्फरनगर रोड पर निकले तथा वाहनों की चेकिंग की। कई लोगों के लॉकडाउन उल्लंघन पर चालान किए गए तथा कई को वापस उनके घरों को भेज दिया गया। इसके बाद एसडीएम की टीम देवीकुंड मैदान पहुंची, वहां पर रहमान बॉडी वर्कशॉप गाड़ी की बॉडी का काम चल रहा था। एसडीएम ने यहां काम कर रहे नसीम, अमन और इल्तिजा पर कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई है। इस संबंध में एसडीएम देवेंद्र पांडे ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश के बाद आपदा प्रबंधन 2005 की धारा 51 से 60 की धारा 188 के तहत कार्रवाई की जा रही है। जिलाधिकारी महोदय ने सहारनपुर में पूर्णतः लॉकडाउन आज के दिन किया हुआ है और इस अवसर पर जो भी अनावश्यक रूप से निकल रहे हैं घरों से बाहर, चाहे वो पैदल हैं चाहे वो कार जीप से हैं, हम उनकी चेकिंग कर रहे हैं। केवल मेडिकल इमरजेंसी में ही निकलना अलाउ किया गया है और अगर कोई अनावश्यक है दिल्ली या हॉटस्पॉट एरिया से आ रहा है तो उसको हम अपने सरकारी अस्पताल में चेकिंग के लिए भेज रहे हैं।
अभी एक बस भी हमने रोडवेज की चेक की है, ड्राइवर बिना मास्क के थे, उनको भी कठोर चेतावनी दी गई है, कंडक्टर को भी चेतावनी दी गई है, जो फालतू में निकले हैं उन्हें उनको वापस किया जा रहा है। इस तरीके से आज पूरे दिन चेकिंग चलती रहेगी। न घोड़ा न बाराती न दूल्हा सामने आया और न ही दुल्हन, दोनों घर बैठे बैठे ही एक दूजे के हो गए। बरेली के सीबीगंज के रहने वाले युवक ने वीडियो कॉल पर ही प्रतापगढ़ की युवती से ऑनलाइन निकाह किया। निकाह की रस्म पूरी होने के बाद दोनों परिवारों में खुशी का माहौल छा गया, सभी एक दूसरे को बधाई देने लगे। ऑनलाइन हुए इस निकाह की चर्चा क्षेत्र के लोगों में बनी हुई है। कोरोना काल के संकट में शादियों की रस्मों को बदल दिया है। पूरे देश में ऑनलाइन निकाह के मामले भी सामने आ रहे हैं। ऐसे ही एक ऑनलाइन निकाह सीबीगंज में रहने वाले युवक ने प्रतापगढ़ की युवती के साथ किया। थाना क्षेत्र के गांव सरणिया निवासी मोहम्मद शकील का रिश्ता 8 माह पहले प्रतापगढ़ के कपूर चौराहे के बेगम वार्ड मोहल्ला निवासी रशीद अहमद की बेटी साहिस्ता के साथ हुआ था। 26 मार्च को शादी की तारीख तय की गई थी। रिश्तेदारों में दावतें भी बांटती गई थी, लेकिन कोरोना वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए लगाए गए लॉकडाउन में शादी को आगे बढ़ाकर 19 जून को शादी करने का फैसला लिया गया। मगर अब दूल्हे ने धूमधाम से बारात न कर चंद लोगों की मौजूदगी में दो गवाह और काजी के सामने वीडियो कॉल पर एक दूसरे को कबूल कर लिया। निकाह इनका प्रतापगढ़ से हुआ है और ये मेरा छोटा भाई है शकील, मोहम्मद शकील। और हम लोग चाहते थे कि शादी जो है वहाँ लेके जाएं, लेकिन लॉकडाउन के चलते हुए वहाँ नहीं लेके गए और ये एक माध्यम बनाया वीडियो कॉलिंग की वजह से, और सबकी कोशिश से सबकी मेहनत से ये कामयाब हुआ है। और शकील तो वैसे भी समाज सेवी हैं और ये कोशिश करते हैं कि निकाह आसान हो। एक संदेश देना चाहते हैं कि इस तरीके के अगर निकाह होंगे तो गरीब गुरबाओं की कमज़ोरों की निकाह ऐसे होंगे और उन पर बोझ भी नहीं पड़ेगा, शादियां भी होंगी। एक संदेश का ही मकसद है इनका। आज हम हाजी कबीर साहब के मकान पर बैठे हुए हैं और हाजी कबीर साहब के शहजादे मोहम्मद शकील साहब का आज निकाह लॉकडाउन के चलते हुए मजबूरी के तहत आज हमने वीडियो कॉल के द्वारा ये निकाह मुनक्किद करवाया है। हम लोग बरेली शरीफ में हैं इस वक्त और जिस खातून से हाजी कबीर साहब के साहबजादे जनाब शकील साहब का निकाह जो हुआ है वो प्रतापगढ़ की बेटी जनाब रशीद अहमद साहब की बेटी हैं, जिनका नाम शाइस्ता भी है। वो इस वक्त अपने मकान पर प्रतापगढ़ पर मौजूद हैं और हमने वीडियो कॉल के ज़रिए से इस निकाह को मुनक्किद करवाया है। और निकाह जो है वो हमारे इस्लाम में बड़ी अहमियत का हामिल है, बड़े कमाल और बड़ी बरकतों का हामिल है। इस निकाह के ज़रिए से हमारे प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु तबारक व तआला अलैहि वसल्लम ने यह संदेश अपनी कौम को, अपनी जनता को, मानने वालों को, पूरी कौम को अता किया है कि निकाह को आसान करो और जिनाह को मुश्किल करो। और ये लॉकडाउन के चलते हुए ये बात समझ में आती है कि आज निकाह बहुत आसान हो रहा है। गरीब बच्चियों की जो तकरीबन जिनकी उम्मीद नहीं थी 5-10 साल तक के उनका निकाह हो, आज अल्लाह के फजल से इस लॉकडाउन के चलते हुए उन गरीब बच्चियों का भी घर बसता हुआ नज़र आ रहा है। यही मैं संदेश देना चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा कि निकाह को आसान किया जाए ताकि गरीब बच्चियों का घर बसे और वो सुसाइड करने से महफूज रहें। बस मेरा पूरी कौम और पूरी जनता और पूरे वर्ल्ड के लिए मेरा यही पैगाम है। फकत वस्सलाम अलैकुम। कई बार पुलिस के तमाम अच्छे काम किसी एक पुलिसकर्मी की गलती के चलते धुल जाते हैं। ऐसा ही उत्तर प्रदेश के बरेली शहर में भी हुआ है। वर्दी के गुरूर में चोर एक पुलिसकर्मी ने बीजेपी निगम के पार्षद की पिटाई कर दी। पार्षद की गलती सिर्फ इतनी थी कि उसने आरोपी पुलिसकर्मी से एक छोटा सा सवाल पूछ लिया। इस सवाल से झल्लाए पुलिसकर्मी ने पहले पार्षद के साथ जमकर गाली गलौज की और फिर उसकी पिटाई करने लगा। पूरी वारदात पास के लगे सीसीटीवी कैमरे में भी कैद हो गई। पुलिसकर्मी द्वारा पार्षद की पिटाई का वीडियो सामने आने के बाद शहर की राजनीति बेहद गर्म हो चुकी है। वारदात में आरोपी पुलिसकर्मी पहचान विपिन गुर्जर के रूप में हुई है। आक्रोशित पार्षदों ने पुलिस प्रशासन से आरोपी पुलिसकर्मी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की। साथ ही पार्षदों ने यह भी चेतावनी दी कि अगर पुलिस आरोपी सिपाही के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं करती तो पूरे नगर की सफाई व्यवस्था ध्वस्त कर दी जाएगी। पार्षदों के बढ़ते विरोध को देखते हुए एसपी ग्रामीण डॉक्टर संसार सिंह ने आरोपी सिपाही को निलंबित कर दिया है। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। क्या कह रहा है पुलिस प्रशासन? कह रहा है हम कर रहे हैं।
कुछ पुलिस वालों ने आके मुझे मेरे घर पे मारा। पार्ट 17 सांपारे थाना फरीदपुर कस्बा फरीदपुर में एक कोरोना हॉटस्पॉट बना हुआ है। वहां पर पुलिसकर्मी ड्यूटी कर रहे थे, उनका स्थानीय पार्षद है, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हो गया। पुलिस का कहना है कि पार्षद घर के बाहर घूम रहे थे और उन्होंने कहा कि आप अंदर चले जाएं। पार्षद ने विरोध किया और इसी पर किसी बात को उलझन हो गई। जो वीडियो प्रस्तुत की है पार्षद जी ने, उसमें दिखाया गया है कि पुलिसकर्मियों द्वारा उनकी पिटाई की जा रही है। ये कृत्य पुलिस का निंदनीय है, इस तरह से मारपीट नहीं करनी चाहिए थी किसी सभासद के साथ। इस पर संज्ञान लेते हुए इनके विरुद्ध पुलिसकर्मियों के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है, इन्हें निलंबित किया जाएगा। उत्तर प्रदेश के बरेली के थाना अलीगंज क्षेत्र में अज्ञात लोगों ने 8 साल के मासूम बच्चे की दुष्कर्म के बाद हत्या कर दी और शव को खेत में फेंक कर फरार हो गए। ग्रामीणों को बच्ची का शव सुबह लहूलुहान हालत में पड़ा मिला। मासूम अपनी तहेरी बहन की शादी में शिरकत करने आई थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अलीगंज क्षेत्र में शुक्रवार को एक युवती की शादी थी। बारात के साथ ही घर में काफी मेहमान भी थे। पास में रहने वाले चाचा का परिवार भी शादी में शामिल था। 8 साल की तहेरी बहन भी शादी में मौजूद थी। देर रात बच्ची अचानक गायब हो गई। परिजनों को पता चला तो उसकी तलाश शुरू की गई, लेकिन उसका कोई पता नहीं लग पाया। रात अधिक होने के कारण परिजनों को लगा कि वह किसी रिश्तेदार के यहाँ सो गई होगी। सुबह गांव से दूर जंगल में बच्ची का खून से लथपथ शव दिखा। बच्ची के चेहरे पर भी काफी चोट के निशान थे, चेहरा भी काफी सूज गया था। जहाँ बच्ची का शव मिला घटना स्थल पर बच्ची ने दरिंदों से बचने के लिए काफी संघर्ष भी किया। ग्राम प्रधान ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। सूचना के काफी देर बाद पुलिस मौके पर पहुंची। घटना स्थल पर पहुंची पुलिस, इसके साथ ही घटना स्थल पर फोरेंसिक टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी बुलाया गया। वहीं पुलिस अफसरों ने घटना स्थल का मौका मुआयना किया। लोगों के अनुसार बच्ची के शरीर पर कपड़े नहीं थे। हालांकि घटना के बाद से ग्रामीणों में भी बच्चों की सुरक्षा को लेकर दहशत का माहौल व्याप्त है। अलीगंज में एक गांव में बारात आई थी, बच्ची 11 बजे तक बारात में देखी गई। ये बच्चे की डेड बॉडी मिली है, इसी के परिवार में शादी थी, इसी में सम्मिलित हो रही थी। इसके परिवार वालों ने कहा 11 बजे करीब तुम घर जाकर सो जाओ, तो उसके बाद से लापता हो गई बच्ची। घर वालों ने सोचा कि कहीं इधर उधर सो गई होगी परिवार में। सुबह 5:30 बजे एक व्यक्ति ने आकर बताया कि गांव के बाहर खेत में इसकी डेड बॉडी मिली पड़ी है। तो डेड बॉडी को देखने से लग रहा है कि इसके साथ दुष्कर्म किया गया है और फिर इसकी हत्या कर दी गई है। मुकदमा लिख लिया गया है और जल्द ही अभियुक्त को गिरफ्तार किया जाएगा। सर, बच्ची की डेड बॉडी किस जगह मिली और किस अवस्था में मिली है? जैसे मैंने बताया, गांव के बाहर मिली और देखने से ऐसा लग रहा है जैसे इसके साथ दुष्कर्म किया। जनपद सहारनपुर का महंगी क्षेत्र बिजली विभाग की लापरवाही और मस्तीखोरी की भेंट चढ़ चुका है। गत 3 दिनों से विद्युत विभाग की सप्लाई पूरी तरह बाधित होने से रविवार को किसानों का गुस्सा फूट उठा। बिजली घर पर पहुंचकर किसानों ने हंगामा करते हुए संविदा कर्मियों को बंधक बनाकर धूप में बैठा लिया। आरोप है कि बिजली घर पर तैनात संविदा कर्मी शेड्यूल के मुताबिक बिजली सप्लाई नहीं कर रहे हैं। किसानों का आरोप है कि किसानों से सुविधा शुल्क लेकर सप्लाई की जा रही है। वहीं परिसर में शराब की खाली बोतलें मिलने से कर्मचारियों की मस्तीखोरी उजागर होती दिखाई दे रही है। उसे देखकर किसानों का पारा 7वें आसमान पर चढ़ गया। आरोप है कि नशे में धुत होकर सप्लाई जारी करना ही भूल जाते हैं। वहीं 2 माह से बिजली घर की एक मशीन खराब पड़ी है। महंगी टाउन को मात्र 4 से 5 घंटे ही विद्युत सप्लाई दी जा रही है। किसानों ने जिलाधिकारी से अविलंब विद्युत सप्लाई निर्धारित शेड्यूल के मुताबिक कराने की मांग की है। 2-3 घंटे बिजली मिलती है और उसमें भी बीच बीच में कट लगा रहता है। हम बिल भी फुल दे रहे हैं, हर महीने मीटर के हिसाब से पूरा चार्ज दे रहे हैं, फिर भी हमें बिजली नहीं मिलती। जी हिसाब से कहते हैं वही भी टाइम पर नहीं मिलते। स्टाफ के लोग अब बच्चे परेशान हैं, रात को भी उत्तर गर्मी में सोते हैं, आज दिन में भी पीने का पानी भी नहीं है।
जनपद मुजफ्फरनगर के चरथावल कस्बे में सप्ताह में एक दिन के कर्फ्यू का उल्लंघन कर बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के पुलिस ने चालान काटे, वहीं कुछ लोगों को हिदायत देकर छोड़ा गया। मुजफ्फरनगर जनपद में जिला अधिकारी सेलवा कुमारी जे ने हर रविवार को पूर्णतः कर्फ्यू का ऐलान कर रखा है। उसी के मद्देनजर रविवार को मुजफ्फरनगर जनपद के कस्बा चरथावल में थाना प्रभारी सुबे सिंह ने अपनी टीम के साथ मिलकर पूर्ण लॉकडाउन के एक दिन के कर्फ्यू का पालन कराया। पुलिस ने बिना वजह सड़कों पर घूम रहे लोगों के चालान काटे और क्षेत्रवासियों को अपने घरों में रहने की अपील की। इस दौरान कस्बे की सभी दुकानें बंद रही और सड़क पर इक्का दुक्का वाहन ही नजर आए। इस मौके पर एसएसआई प्रमोद गिरी, एसआई रणपाल सिंह, कांस्टेबल महेंद्र, राहुल त्यागी आदि पुलिसकर्मी मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही, कल फिर होंगे हाजिर कुछ नई और ताजा खबरों के साथ। देखते रहिए हलचल इंडिया, बेबाक खबर तेज असर।